ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरे सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे गुरु गरीब नवाज कलगीधर पातशाह दो जहान दे मालक अमृत के दाते पंथ दे वाले चिटियां बाजां वाले शहनशाह पिता दे साजे हुए गुरु रूप गुरु खालसा जी सरबत संगत गज के फतेह बुलायो अपनी भी हाजरी लायो दसां दी हाजरी भी प्रवान करियो कोई रचना फतेह बुलाउण तों वांझी ना रहे गज के बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल आप जी नाल चमकौर साहब दे युद्ध फतेहगढ़ साहब दी दास्तां छोटे साहबजादियां दी शहीदी दे प्रसंग सांझे कीते सन जिहदे चों कुछ कंस बाकी रह गए सन। बहुत सारियां संगतां दे टैलीफोन आए ते प्रबंधकां ने बहुत ही सोच विचार के कि ये आपां उन्हां प्रसंग पूरा कर दिए। संगतां दे चरणां विच बेनती है कि राम दे नाल देग भी ले चलो ते ध्यान दे नाल ये अपना जो विरसा है सुनहरी इतिहास है जो खून दे नाल सिरजिया गया है लिखिया गया है उहनूं जरूर समझण दा यतन करिए। एक बारी सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। कलगीधर पातशाह जदों चमकौर दी गढ़ी विचों खालसा पंथ दी बेनती मन के गढ़ी विचों चले गए उह लखां वैरियां दे दल दे विचों दी दल नूं चीरदे होए सतगुरु पातशाह जी नंगे चरनी चलण दा कारण की सी? साध संगत जी ये एक इतिहास सिरजना सी सतगुरु ने अपने शरीर दी बदन दी परवाह नहीं कीती इतिहास सिरजना सी। पता सी कि मैदाने युद्ध विच जिहड़ी इस हनेरी रात विचों दी मैं लंघना है उत्थे लोथां दे ढेर ने उन्हां ढेरां विच गुरु के दलारे प्यारे सूरबीर बहादुर मैदाने युद्ध विच लड़दे होया शहीद हो के लेटे होए ने ते मेरे चरणा दा जोड़ा किसे सिंह दे दाड़े नूं ना छुहावे किसे दा दस्तारा उतरिया होया ते जिहड़े शीश दे विच अमृत पिया होया उस अमृत नूं मेरा जोड़ा ना लगे। इन्ना सतकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने केसां दा कीता नंगे चरणी गए ते नंगे चरणी चलदिआं होइआं सतगुरु पातशाह जी कंकरां वाली धरती झाड़ियां वाली धरती नूं चीरदे होए सतगुरु पातशाह जी माछू वाड़े वल गए। अगे दा इतिहास लंबा है कि सतगुरु पातशाह जी इस मालवे दी धरती ते हुंदिआं होइआं रायकोट तों पहुंच के गुरद्वारा पंजवाड़ा साहिब लम्मे जट्टपुरे इस नगर विच सतगुरु जी ठहरे ने ते तो पहला रायकोट तो राय कला रहिंदा सी जिस दी भैण सरहंद व्याही होई सी। सतगुरु पातशाह ने उस नूं भेजिया कि तू सरहंद जा ते जाके पता करके आ कि बजुर्ग माता छोटे साहबजादियां दा की बनिया है। सतगुरु पातशाह जी इत्थे ठहरे होए ने इत्थे आओ पिछे आपां चलीए जदों सतगुरु जी चमकौर दी गढ़ी चों चले गए ते पिछों भाई संगत सिंह जी भाई जीवन सिंह जी इसे तरह भाई कोठा सिंह भाई बदन सिंह इन्हां सिंघां ने घमसान दा युद्ध लड़दे हुए शहादतां पा दित्तियां
ते योधे डांके वजाउंदे होए शहीद भाई संगत सिंह नूं कलगीधर पातशाह दा सरूप समझ के दुश्मन फौजां ने खुशियां मनाईयां। दिन बीते, अगले दिन बीबी हरशरन कौर का जिक्र आता है कि उसने कुछ गुरु के सिखां नूं नाल लै के चुन चुन के विचों गुरु के सिखां नूं इकत्र किया, शहीद शरीरां नूं इकत्र किया। बड़ी दृढ़ता दे नाल उस बीबी ने साहबजादियां दा अते शहीद सिंघां दा संस्कार किया। इतिहास इत्थे भी विलखणता दिखाउंदा है कि बहुत सारे मुसलमानां नूं भी बहुत वड्डे टोए खड्डे पट के कबरां दी तरां उन्हां नूं भी दबा दिता गया। बाद दे विच बीबी हरशरन कौर ते भी बहुत तशद्दुद होया। सतगुरु पातशाह जी जदों राय कोर्ट विच बैठे ने, राय कल्ले दी ड्यूटी लाई कि तू उथों दी दास्तां मकाउणी है, नूरे माही नूं भेज के उन्हें सरहंद तों पता मंगाया। नूरे माही दी भैण सी इत्थे, दास ने पहला गलती नाल राय कल्ले दी कह ते नूरे माही नूं इत्थे भेजिया। भेज के जदों ओ अपनी भैण दे घर ठहरिया ते भैन बड़ी विराग विच है। देखो सारियां कौमां नहीं माड़ियां हुंदियां, जिथे शेर खां बहादुर ने बहादुरी दी तरह नार खां दे भरा ने नहा दा नारा मारिया सी ना, वह भी तो मुसलमान सी। इसे तरह जदों सरहंद पहुंच के अपनी भैन नूं हालात पुछने चाहे ते ओदियां अखां विच अथरू ने, गला भरिया होया, दस नहीं सकदी कि की कुछ वापरिया है। नूरे ने कहा भैन नूरा नूं कि तू हौसला रख के मैनूं सारी विथिया दस, मैं कलगीधर पातशाह नूं यह सारी विथिया सही रूप विच दसनी आ। ते उहने कहा मेरे वीरिया, छोटे छोटे बच्चियां नूं किवें तसीहे दे के कंधां विच चिण के तरह तरह के सवाल पुछ के तरह तरह के ताने मारे गए, जिदी रोज सानू खबर मिलती सी। ते इथों तक कि सरहंद दियां तां कंधां भी उदास, पर यह जुलमी लोगों ने जुलम किया है ते नूरे तो भी नहीं रुकिया गया, ओदियां अखां विच भी अथरू आ गए। एक दिन रहा सरहंद विच घूम के तरह तरह की चर्चा सुनी कि एडा वड्डा जुल्म, एडा वड्डा तशद्दुद, एडा वड्डा पाप, तरह तरह दियां गल्लां सुनियां ने मुसलमान लोकां तों भी ते सरहंद दे होर निवासियां तों भी। सब लोग उदास ने। ये वापस गया, गुरु साहब सच्चे पातशाह जी नूं सारी दास्तां दसी ते नाल ये भी दस्या कि किस तरह नवाब टोडर मल ने जिहड़ा कि जौहरी सी, उन्हें किस तरह माता जी का अते छोटे साहबजादियां का संस्कार किया। इतिहास लिखता है कि होर सरहंद वासियां वांग जिहड़े बहुगिणती दे लोग उदास सन, गंभीर सन, इस पाप तो त्राह त्राह कर रहे सन, उत्थे नवाब टोडर मल, उहदे घर वाली आपसी विचारां कर रहे सी कि ऐसा दुनिया दे विच किहड़ा बाप होवेगा जिहड़ा अपने चारे पुत्रां नूं शहीद करा देवे, घर घाट छड्ड देवे, ते इस अपनी कौम की खातर इन्नी विलखणता भरिया इतिहास सिर जावे, कोई नहीं हो सकता। इहदा अक्सर ही वजीद खां दे कोल आउण जाण सी। इह वजीद खां कोल गया, उहने कहा वजीद खां जो तू करना सी उह कर लिया, हुण इस बजुर्ग माता दा साहबजादियां दा मैनूं संस्कार कर लैण दे, क्योंकि पापी लोग पाप करते ने,
ते पर उन्हां दी दिल दी गहराई तक भी वह पाप टुंब जांदा है। सूबे ने जिहड़ियां विचारां कहरियां विच कचहरी दे विच अदालत विच सुनी सी, जो बच्चियां तो साहबजादियां तो सवाल जवाब सुने सन, जो नवाब मरेलकोटला तो सुने सन, कहा सी ना उसने कि चौधरी साहब तू ये कहना तेरे भरा नूं तेरे भतीजे नूं मैदाने युद्ध विच तेरे भतीजे नूं साहबजादा अजीत सिंह ने कतल कर दिता, कतल नहीं किया, ये मैदाने युद्ध का एक निजम है, जिहड़ा भी जिहदा दा लगा उहने उहनूं सोध देना है। ते तू कहना तेरे भरा ना खा नार खान नूं कलगीधर ने मार दिता, ते ये तां आपां की करन गए सी, आपां भी तो उहनां नूं मार नहीं गए सी ना। जे किते मेरा कलगीधर पातशाह नाल वादशाह पिया, गुरु गोबिंद सिंह नाल वास्ता पिया, तां मैं जरूर मैदाने युद्ध विच वंगारांगा उहनां नूं, पर आ पाप करना तां किते नहीं लिखिया। मैदाने युद्ध विच जिन्हां दे सामने आपे खड़ नहीं सके, साहबजादा फतेह सिंह की उम्र किन्नी सी? साध संगत जी 5 महीने ते 10 साल की उम्र सी। इतिहासकार कई बार आप प्रचार कह दिंदे 7 ते 9 साल की उम्र सी। तुसीं उहनां दीआं जन्म डेटां कढो, 5 महीने 10 साल ते 6 महीने 11 साल उम्र सी बाबा जुझार सिंह, इन्नियां उमरां सन। जदों एडे वड्डे वड्डे सवाल जवाब किते सूबे नूं, वह भी याद आउंदे सी, पर अपनी हेंकड़ जिहड़ी राज सत्ता हुंदी है ना, ये वड्डे वड्डे पाप करा दिंदी है, अपनी हेंकड़ नहीं छड्दी। इतिहास भरिया पिया है, ये राज सत्ता की हेंकड़ तां सके भरावां दा कतल करवा दिंदी है, सके प्यो नूं गिरफ्तार करवा के किले विच बंद करा दिंदी है। आपां इतिहास पढ़िया, इहो जी राज सत्ता हुंदी है। ते जदों नवाब टोडरमल ने कहा कि मैं संस्कार करना चाहुंना, तां फिर देखो बड़ी टेढ़ी नीत दे नाल, खोटी मत दे नाल, बड़ी साजिश दे नाल जवाब दिता भी मैं तैनूं किहड़ा रोकदा, जे तैनूं इन्ना ही प्यार है ते तू वो धरती खरीद लै जिथे संस्कार करना है। उन्हें कहा मैनू मंजूर है, कहिंदे मंजूर है, तो जिन्नी धरती चाहिए उहदे ते मोहरां विछा के तू धरती लै सकदा ते उत्थे संस्कार करा सकदा है। फिर फतेहगढ़ साहब तो ठंडे बुरज के नेड़े जिथे ज्योति स्वरूप गुरद्वारा है, वह जगह टोडर मल ने मोहरां विछा के लई। इतिहास ये भी कहिंदा है कि मौके ते किया गया मोहरां खड़ियां करके लै, मोहरां विछाउणियां नहीं, पर उसने अपने घरों, क्योंकि जोरी सी जिन्ना साजो समान सी सोने का वह इकट्ठा किया, घरवाली के गहणियां तक ला दिते। देखो आप छोटी तो छोटी चीज संभाल के रखते हैं, पर सोना धन सी उहदे घरवाली माता, उन्हें भी कहा पति जी कोई परवाह नहीं, भावें सारा घर लग जाए, पर आपां शरदा दे नाल इन्हां छोटे छोटे साहबजादियां दे शरीरां नूं सांभो, माता जी दे शरीर नूं सांभो, यही अपना कर्म धर्म ते फर्ज बनता है। इसे तरह कीता साध संगत जी, खड़ियां मोहरां करके जमीन खरीदी ते उत्थे माता जी नूं छोटे साहबजादियां नूं शरीरां नूं रख के संस्कार किया गया। दास्तां इत्थे मुक्की नहीं, इतिहास लिखता है कि जदों नवाब टोडरमल दे कोल कुछ इकट्ठे हो के, कुछ जिन्हां विच कुछ हिंदू भी सी, कुछ मुसलमान भी सी ते कुछ सिख भी सी, उहनूं पुछिया कि तू ये सब कुछ क्यों कीता है, हुण अगला जुल्म करन वास्ते एक स्कीम घड़ी जा रही है कि टोडरमल नूं इस गल की सजा देनी चाहिए आ भी उन्हें संस्कार क्यों किया। पर वह बेपरवाह बंदे ने इत्थे ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, कवि संतोख सिंह जी बड़ा सुंदर इतिहास लिखते ने, जदों उन्हें पुछया फिर भी उन्हें बेपरवाही विच कहा
कि मैं समुचे भारत वासियों एक गल कहनी चाहना है। जिहड़ी धरती नूं तुसीं भारत माता कह के बुलाउंदे हो ते मैं उस धरती नूं भी कहना चाहना है, भारत की धरती नूं, कि आ धरती तू अपने सबूत वेख लै, उच्च श्रेणी दियां उच्च जातां दी तू जिहड़ी निजत नीयत सी उस खोटी नीत नूं उहनां दे कर्मां नूं तू तक लिया, तू ब्राह्मण नीत नूं देख लिया कि इहने गंगू दे रूप विच आ के साहिबजादियां नूं कतल करवा दिता, ते तू खत्रियां नूं तक लिया। सुचानंद ने कह कह के साहिबजादियां ते इहो जिहे ताने कसे के सप्पां दे पुत सपोलिए हुंदे ने, जमदियां सूलां दे मूंह तिखे हुंदे ने, ते उहने बजुर्ग माता गुजरी नूं भी ताने मारे, तू उहनूं तक लिया। टोडर मल ने कहा ऐ भारत दी धरती, ये तेरे इस धरती ते पैदा होए तेरे सपूत जिन्हां दी नीयत यह है वो धरती निगर जानी चाहिए, जिस धरती ते इस धरती नूं सवारन वाले कलगीधर पातशाह दा एक पासे इतिहास है कि उहदे मासूम साहिबजादियां ने उहदी बजुर्ग माता ने इस पाप कर्म की धरती के उपर आजाद सहसास का एक दास्तां लिखी है, ते वह दास्तां इस दादी मां दे साहिबजादियां ने अपने खून नाल लिखी है। जदों ये गल्लां सुनियां कहिंदा इत्थे ही बस नहीं, तुसीं याद रखियो जिहड़ी एक कौम नूं मुकाउण दीआं गल्लां करदे हो, मैनूं इउं जापदा है कि जिहड़ी कौम इस जुल्म सितम तों खत्म करन वास्ते कलगीधर पिता ने साजी है, अज उहदे सपूत बहादुर पुत्रां ने अपनियां हड्डियां ते मिज दा गारा ला के खून दा पाणी पा के इस कौम दीआं जड़ां उहदी इन्नी नींह पक्की कर दित्ती है, इस कौम दे निशान फतेहगढ़ साहब दे रूप विच झूलणगे जिहनूं कोई नहीं मिट सकेगा। जदों ये गल्लां सुनियां वजीद खान नूं दस्सिया कि वजीद खान तेरी चाकरी करन वाला कुछ समां रहा, टोडर मल भी नवाब रहा वजीद खान दा, कहिंदा उह वी बोली उही बोलदा है, ते वजीद खान कहिंदा मैनूं पता है, एवें नहीं उहने अपना घर घाट लुटा के साहिबजादियां दा ते माता दा सत्कार एवें नहीं कीता, उहदे खून विच वी मैनूं बगावत जापदी आ। साध संगत जी तुसीं पाप भरी नीयत देखो कि हले सबर नहीं, ते फिर काजियां तों फतवे लवा के नवाब टोडर मल नूं भी शहीद किया गया, तुसीं इह दित्ते गए, ते उहदी घरवाली बीबी नूं भी शहीद किया गया। इत्थे ही बस नहीं, ते फिर उस बाबा मोती मेहरे नूं जिहदा गुनाह सिर्फ इह सी, जिहनूं गुनाह कहिंदे ने कि ठंडे बुरज दे विच उह अपने ढंग दे नाल चोरी छिपे जा के माता जी नूं दुध छकाउंदा सी, साहिबजादियां नूं दुध छकाउंदा सी, ते रोज दी दास्तां दसदा सी कल नूं की होण वाला है, उहनूं उहदे परिवार नूं भी कतल किया गया। इसे करके जदों औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया ना सतगुरु पातशाह जी ने, फिर बचन लिखे कहिंदे औरंगजेब धर्म की जित कदों हुंदी है, जदों धर्मी लोकी धर्म के उपर चलन वाले लोग सच ते सुच नूं ग्रहण कर लैण, धर्म की भै ते भावना उन्हां अंदर प्रवेश कर जाए, धर्म की जय जयकार तां हुंदी है। तू अपने आप नूं धर्मी मनदा सी, तू चाहना है कि यह पाक पवित्र एक इस्लाम धर्म है, असीं भी मनदे हां कि धर्म पाक है पवित्र है, पर तू उस दी पवित्रता दे उपर दाग लाए ने, तू उस पवित्र धर्म की कुरान दीआं कसमां खा के उन्हां तों मुकर गया है, इस करके तू ते धर्मी रिहा ही नहीं, ते तू समझदा वी तेरे जित दे झंडे झूल गए,
12 ਹਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਛੱਡੇ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ 4, 4 ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਜੀਵਿਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫੌਜਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ MP ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ UNO ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ MP ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ MP ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੂਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿਆਣਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ,
दुख नूं समझ लवे, तकलीफ नूं समझ लवे। ते इत्थे तां केवल अपनी हिंकड़ विखाई जा रही है भी जो कुछ मेरी जबान चों निकल गया ओही सच है, ओही कानून है, ओही सही है, ओही तुहाडे भले लई आ। ऐ भी कदे होया नहीं? वड्डे वड्डे राजे समझ आंदे ने भी साथों आ कर्म आ कानून आ फरमान गलत हो गया है, इहनूं असीं बदल के दुनिया दे भले लई लुकाई लई जो चाहुण असीं करांगे उस पासे तुर पैंदे ने। पर नहीं, ये गुमराह होया व्यक्ति तुहानूं लखां दी गिनती विच इकत्तर होईआं गुरुकियां संगतां नूं, किसानां नूं, किसान जथेबंदियां नूं अपने मीडिया राही गुमराह होया दसदा है। मन लो भी तू सच्चा है भाई, तेरे दिमाग में हो सकता है कि तू जिहड़े बिल बनाए ने ये किसानां दे भले वास्ते हो सकदे, तू कहिंदा ना ते फिर तू इस मंच ते नहीं आ सकता। सानू पता है तेरी सिक्योरिटी है, तेरी सुरक्षा का प्रबंध ओह जिहा नहीं हो सकता, पर तू ये किसान जथेबंदियां नू टैलीविजन ते बिठा ला, अपने कोल सद ला ते दुनिया नू दसो भी किसान जथेबंदियां की चाहुंदियां ते मैं की करना चाहुंदा। ते मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी, बड़े सत्कार नाल तेरी कुर्सी डाह देंगे, पर साडी जथेबंदियां दी भी सत्कार नाल कुर्सियां डाहियां जाण ते थले वड्डा सारा प्रबंध करके स्क्रीन दे उपर दुनिया भर दे उपरों वोटिंग खोल दित्ती जावे। जो मोदी साहब भारत का प्रधानमंत्री कहिंदा है, जिहड़ा उहनूं चंगा समझदा उहदे ख्यालां नूं उहदी कही हुई गल नूं ठीक समझदा है उह उहनूं वोट कर देवे, जिहड़ा किसान जथेबंदियां दी गल नूं ठीक समझदा है उह किसानां नूं इधर वोट पा देवे। ते असीं इत्थों चैलेंज करदे हां भी तैनूं 40% भी वोटां पै जाण ना ते तू कह दई मैं सच्चा है, तू कह दई ते जे दुनिया च बैठे हुए लोग कहण बई नहीं मोदी साहब तेथों गलती हो गई, ये गलती नूं स्वीकार कर लेना चाहीदा, फिर सियाणप इसे विच ही है। देश दे विच अमन शांति बनिया रवे, भाईचारा बनिया रवे। एक गल तां आपां वेख ही ली ना, भावें सत्याग्रह विच आए हां पर एक गल तां वेख ली ना, इत्थे हर धर्म का व्यक्ति पहुंचा है, भावें कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब ने एकता ते इतफाक विच एक बहुत वड्डा एकता का मुजहरा किया। ते मैं यही भी बेनती करूंगा कि ये तुहाडा सत्याग्रह लम्मा हो सकता है, बहुत ही संतोख ते सबर दे नाल सानू चलना चाहीदा, दृढ़ता दे नाल चलना चाहीदा, तां कि साडा जिहड़ा बाहरी विखावा भी अंदरली दृढ़ता ते आगूआं दी है ना, ते ओह आपां नूं नज़र आ रही है कि बड़ी वड्डी सियाणप ते दृढ़ता दे नाल चल रहे ने ते फैसले लै रहे ने, पर जिहड़ी बाहरी दिख है ओह तुहाडे इकट्ठ चों भी दिसणी है। इस वास्ते सारा इकट्ठ जिहड़ा मीलां तक है उहदे विच कोई गंदे गीत ना गाए जाण, कोई भंगड़े ना पाए जाण, कोई नशा ना वरतिया जावे, दृढ़ता दे नाल जिथे तुसीं जाप करदे होवो ते उत्थे पूरे डिसिपलिन दे नाल आपां रहीए, एक दूजे का साथ देईए, ये तुहाडी एकता इतफाक तुहाडा मिलवर्तन तुहाडी शक्ति है जिहड़ी दुनिया नूं दिस रही है, ते कदम इहदे नाल जितने तुहाडे कदम चुम्मने ने। इन्नियां बेनतियां दे नाल दास खिमां दा जा चुका है, प्रबंधकां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा है कि कल दा थोड़ा जिहा जो इतिहास दा पक्ष रह गया सी उहनूं पूरा करन वास्ते अज फिर समां बख्शिश कीता है। भुल्लां चुकां दी खिमां बख्शो, सारे गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।